वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वाद एंड शेयर। तो आज का ब्लॉग हम यहीं से शुरू करते हैं, ये बात मैं बहुत बार बार बोलता हूँ, तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं ये ब्लॉग। तो आप आगे देखिएगा जो जो होता है। बच्चों का मन था कि मटका ले लो, मटका ले लो। बाबू के रास्ते स्कूल जाते हैं तो उसके रास्ते में पड़ता है दुकान, तो रोज़ कहती थी ये मटका ले लो, मटका ले लो। तो हम आज मटका ले आए हैं और इसकी चित्रकारी करने जा रहे हैं हमारे सुपुत्र। हमने कहा ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम नया लुक दे देते हैं। इसको अच्छे से धुल दिया है और हमको दोपहर ही मैंने लेटने नहीं दिया, इतना इनको ये मटका के लिए परेशान कर रखा था। तबीयत नहीं ठीक है, बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया, आवाज़ भी बिल्कुल मरी मरी हो गई है। कर लें फिर दिखाते हैं फाइनल लुक। बात कर देखो कैसा लग रहा है, अभी पूरा दिखाएंगे लुक कैसा लग रहा है। मम्मी वाटर मेलन लेते तो बेटा यहाँ पर मम्मी वाटर मेलन काटते थे। इस गर्मी का पहला वाटर मेलन बेटा बाद में होता है। अब देखो कैसा निकलता है, रेड निकलता है कि नहीं। उसने कहा था कि गारंटी है तो कलर मिलाया। सब पूछ डाला है तुमने गिरा के, देखा खराब कर दिया है तुमने उसको गिरा के। मैंने इस कुत्ते ने हटा ये वाटर मेलन है। सब पूछ डाला है तुमने? नहीं हमने नहीं कुछ है। सब देखो ये क्या बना दिया, नहीं कुछ है। हमको एक पीस दे दो, पहले कपड़े डाल के आओ। कपड़े डाल दिए अपने ऊपर, सारे कपड़े डाल निकाल के मशीन से डालो तब खाओ। नहीं मैंने अपने ऊपर डाल। तरबूज खाने का असली मजा जो है ना ऐसे ही आता है। पीस खाने में नहीं मजा आता है, बस जब तक तरबूज को जब तक इस तरीके से ना खाओ और फिर तुम्हारे पेट में पेड़ उगता है, फिर कानों से तुम्हारे जो है पेड़ निकलता है, फिर तुम्हारे लटकते तरबूज। जिसको खाना होता है वो तोड़ तोड़ के खाता है ना बाबू। हाँ तो जो तरबूज खाने का मजा ऐसे है भाई, वो ऐसे कैसे भी नहीं है, मजा इसी में आता है। The following day. Good morning, 6 बजने वाले हैं, 5:40 हो गया और बच्चे अभी मेरे दोनों सो रहे हैं। मैं किचन में बना रही हूँ खाना, तो ये मैंने आज मेरे बच्चों का मन था सैटरडे है, तो आज मन था कि जो है समोसे ले जाऊँगी। तो मैंने बड़े मज़े से आलू तैयार किए, सब कुछ आटा वगैरह गूँथा और उसके बाद पता चला कि जो है हमारे पास ऑयल ही नहीं है, इतना कम ऑयल है। तो इतने कम ऑयल में समोसे तो बनना पॉसिबल ही नहीं था कि हम कैसे बनाएँ। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा चलो भाई कुछ कचौड़ी टाइप से बना देते हैं, नहीं तो फिर दिव्यांश तो मान जाता पर बाबू नहीं मानती, क्योंकि उसको खाने थे समोसे और वो भी मम्मी के हाथ के, क्योंकि आजकल बाबू की तबीयत नहीं ठीक है और मेरी भी नहीं ठीक है। देखो मेरे आवाज़ कैसी आ रही है, अजीब सी आ रही होगी, फटी फटी सी। और इधर मेरे मैंने बनाई है अपने हस्बैंड की पसंद की दाल। कौन सी दाल है? चना उड़द की दाल मैंने बनाई है, पक चुकी है ये भी। तो दाल बन रही है मेरी इधर, और यहाँ पे मैंने भिंडी काट के रखी है तो भिंडी की सब्जी बनाऊंगी। और ये कोई फ्रूट
ड्राई फ्रूट्स नहीं है, ये मैंने शैम्पू के लिए भिगो के रखा है। अच्छे ही लगेंगे, क्रिस्पी खट्टा से बन गए हैं। जब मैंने घड़ा लिया था ना तो मैंने पॉट लिया था, आज मैंने इसमें दही लगाया, बहुत अच्छे से दही जमा है मिट्टी के उस पात्र में। बच्चों का बहुत मन था ऐसा दही। बेटी हमारी बड़ी वाली बेटी को देखा है किसी ने? नहीं अभी तक देखा। ये बड़ी वाली बेटी है, छोटी वाली बेटी देख लो, बड़ी बेटी देख लो भाई यार, देख लो इनकी कारतूते प्रेस करने जा रही है। कैटरीना कैफ बन गए। है? लड़का है। कपड़े तो लड़कियों वाले पहने हैं। लेको नाच रहे हैं, देख लो नाच रहे। चेंज हो गई है, हम मशीन से निकाल रहे थे कपड़े तो ये चादर हमने धोई थी दोनों ने, एक एक चादर हैंग के निकाला तो था। तो ये देखा, ये ठंडी ठंडी चादर दोनों ओढ़ रहे, ओढ़ के घूम रहे, ठंडी ठंडी लग रही है। आए थे अभी शनिदेव मंदिर पूजा करने और उसके बाद जा रहे हैं दिव्यांश की दवा लेने। दे रहा है यहाँ पे तो टॉर्च जला दिया। बाबू को खाने हैं समोसे वाले आलू साथ पराठे, तो मैंने अभी पराठे सेंके, हाथ मेरे आटे के हैं जो दिख रहे होंगे, अभी मेरे जस्ट आटा गूंथा है पराठे और बनाने के लिए, तो उसको पहले मैं दे दूँ फिर मैं हाथ धो लूँ तब मैं पराठे और सेकूँगी। तो ये मैंने आलू बनाए थे ना समोसे वाले, तो बाबू को हमारी पसंद तो थोड़ा ज़्यादा बना लेते, दोनों को बहुत पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा बना लेते हैं। बाबू लो आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, मैं कुकर होने का कर्तव्य निभाते हुए हमारे लिए रात में आलू तो क्या कहते हैं चिली आलू चिली पटेटो बनाते हुए वो टेस्टी बने हैं, हम टेस्ट कर चुके हैं। इस समय रात के 10 बज गए हैं, समय मम्मी हमारे लिए आलू बना रही है। दिन का ब्लॉग है, मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। गर्मी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस समय, और बच्चों के स्कूल का टाइमिंग भी साथ चेंज हो गया, लगभग सब जगह चेंज हो गया, 7:30 से 12:30 कर दिया गया,
लेकिन फिर से आदेश आया था तो दिव्यांश का स्कूल अभी 1 बजे का है मेरा तो, और बाबू का जो है 12:30 हो गया है। तो आज हम किचन से काम कर रहे थे, अभी बालों में आयलिंग करी थी और बाल हेयर वॉश करने हैं, इसलिए किचन में काम कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, हमारे बच्चों का ना मेनू के अनुसार होता है, मतलब ये लगा है मेनू स्कूल से मिला था, तो मैंने यहाँ पे लिख के लगा रखा किचन। ये पहले स्कूल का है, ये जब दूसरे स्कूल में करवाया एडमिशन बाबू का वहाँ का है। इससे हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि इसमें सब्जियाँ और जो कुछ है ना डे वाइज और इसमें फ्रूट वगैरह डे वाइज हैं, तो अब ये दिक्कत नहीं होती है, लोग लड़ते नहीं हैं। हम जो मैंने बता दिया इसमें लिखा तो इसी के अकॉर्डिंग हम बच्चों को देते, तो दोनों को इसी के अकॉर्डिंग देते, थोड़ा मेरा काम इजी हो जाता है, वरना रोज़ सोचो क्या दें क्या दें क्या दें। अब हम नहीं खाएंगे, दादा को दे जो कर। तो बस ये लैया वाली दाल मोट मैंने थोड़ी सी बनाई थी वो रखी है, बस मेरा छोटा सा किचन है और ये सब है। तो अभी मैं किचन में थोड़ा काम निपटा लेती हूँ फिर। तो ये ब्लॉग शायद मेरा बड़ा हो चुका होगा, पता नहीं कितना बन गया, कितना रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, क्यों उनकी हो नहीं पा रहा है। इधर मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी और मेरी मेन चैनल की वीडियो बनी पड़ी है, उसकी वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब था, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, अब थोड़ी बहुत आने लगी है। तो सोच रही हूँ कि उसकी वॉइस ओवर करके डालूँगी, बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, तो आप लोग प्लीज़ चेकआउट करिएगा मेरे मेन चैनल पर। और ये नाच इसलिए रहे हैं कि इनकी फेवरेट चीज़ है, ये देखो डॉल लाई थी, मेला गई थी, अभी थोड़ा सा मेले का भी इसमें पड़ा होगा, आप लोग देखना। तो ये मेले से लाई थी ये डॉल, तो ये वो डॉल है और इसको बहुत मन था। हम लोग गए थे बस ऐसे, थोड़ा काम था उसलिए गए थे, तो यहाँ पे हमारे मेला लगा हुआ था तो वही इसको दिखा दिया, थोड़ा सा लिवा दिए, अभी तमाशाबाजी कर रहे हैं। तो देखते हैं, चलिए इस ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं, टोटल आप लोगों के लिए फ्री होता है, हम बहुत मारेंगे तुम लोगों को, टोटल आप लोगों के लिए फ्री होता है। और देखा करिएगा, मज़ा आएगा, जो भी ब्लॉग में थोड़ा बहुत होता है हम उसको शेयर करते हैं। अभी लोगों देख लो सैथानी लोगों की बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।